अच्छा मेरी बात सुने, मैंने आज तक आपका कोई राज पाश नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? ड्रामा क्यों किया? क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उसको। क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे? क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म के बादशाह की एक नई एपिसोड के साथ और एक नए जुर्म के बादशाह की तलाश के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, जुर्म के बादशाह में इस दफा बादशाह की तलाश हमको ले गई पिंडी और वहां से राजा बाजार से हम पहुंचे लाल हवेली। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की दुनिया में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनका चेहरा गोरा है तो पीठ काले करतूतों से भरी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता 36 सालों से मुतहरिक किरदार अदा करने वाले सियासतदान साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद की। जी हाँ नाज़रीन, हम लोग पहुँचे लाल हवेली में जहाँ पर हमें मिले शेख रशीद साहब। नाज़रीन, शेख रशीद साहब उन हस्तियों में इनका शुमार होता है जो कानून बनाते भी हैं और कानून के रखवाले भी कहलाए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि शेख साहब क्या क्या करते रहे। शेख रशीद गुज़िश्ता 36 साल से पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, ख्वाह वो जमहूरी हुकूमतें हों या आमरों की हुक्मरानी। मतलब हर हुकूमत ख़ास कर इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से बनने वाली हुकूमतों का चलता पुरजा रहे हैं और आज भी हैं। शेख रशीद अपनी 36 बरस पर मुईद पार्लिमानी सियासत के दौरान 15 बार वजारतों के मज़े लूटते रहे हैं, जिसमें वजारत दाखला, वजारत इतलात व नशरियात, वजारत रेलवे, वजारत सकाफत समेत दीगर वजारतें शामिल हैं। शेख साहब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे और जब इक्तदारी सियासत में कदम जमाए तो उन्होंने नज़रियाती सियासत को पीछे छोड़कर अयाशी की दुनिया में अपना नाम कमाना शुरू कर दिया। अयाशी तो काफ़ी बर्दाश्त लायक लफ्ज़ है, मगर उन्होंने मासूम औरतों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, शेख रशीद साहब के वैसे तो बहुत सारे किस्से ज़द-ए-आम हैं, लेकिन मोहतरमा शहनाज बेगम का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने दावा किया था कि शेख साहब उनके शोहर हैं, और उन्होंने मजीद क्या क्या दावे किए थे आइए आपको बताते हैं। एक खातून जिसका नाम शहनाज बेगम है, उनका दावा था कि शेख रशीद ने उनके साथ अमरीका में निकाह किया है, जिसका उनके पास सबूत भी मौजूद है। मगर शेख रशीद ने ना सिर्फ उनको अपनाने से इनकार किया तो उन्हें तरह तरह की जहनी और जिस्मानी अजियतें भी देता रहा। बकौल उनकी मुबैना बीबी के शेख रशीद एक दगाबाज, मुफाद परस्त, ब्लैकमेलर और हविस परस्त इंसान है, जिन्होंने ना जाने कितनी औरतों को ना सिर्फ शादी का आसरा देकर उनके साथ जिंसी ज्यादती की, पर ऐसी कई मासूम लड़कियां उनकी हविस का शिकार बनी हैं जिनको नौकरियां दिलाने की लालच देकर लाल हवेली की रातें रंगीन की गई। शहनाज बेगम का कहना था कि शेख रशीद से उस दिन मुझे नफरत होना शुरू हो गई जिस दिन शेख रशीद ने मुझे शहबाज शरीफ के पास जाने और उसके साथ वक्त गुजारने के लिए जोर भरते रहे, मगर मैं उनसे बार बार इनकार करती रही और हमारे इख्तलाफात भी साथ साथ बढ़ते गए। रूमी वाइस के मुताबिक शेख रशीद जब वजीर बराए सकाफत बने तो उनकी रिहाइश लाल हवेली जैसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न की हसीन अदाकाराओं का एक मस्कन बन गया। हर रोज़ नई अदाकाराओं का लाल हवेली में आना और महफिल को रंगीन करना एक रूटीन बन गया था। शहनाज बेगम का कहना था कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की जिसे मेडिकल कॉलेज में दाखिले का लालच देकर इसकी कई महीनों तक किस्मत दरी की जाती रही, जिसका दुख मुझे आज भी है। ना सिर्फ ये बल्कि ऐसी ना जाने कितनी मासूम लड़कियां अब तक इनकी हविस का शिकार बनी होंगी। नाज़रीन, शेख साहब का मशहूर तकिया कलाम कि जब मार्केट में ताज़ा दूध हो तो भैंस पालने की क्या ज़रूरत है, यकीनन आप सबको याद होगा। लेकिन शेख साहब ने ये अपना तकिया कलाम क्यों और कब कहा था आइए आपको ज़रा इसकी तफसील बताते हैं। इसका अंदाज़ा शेख रशीद की जग मशहूर तकिया कलाम से लगाया जा सकता है कि अगर अच्छा दूध मार्केट से मिल जाता हो
तो भैंस रखने की क्या जरूरत है। रूबी वाइस के मुताबिक जब शेख रशीद वजीरे सकाफत बने तो लाल हवेली में एक रंगीन रात का प्रोग्राम बनाया गया और अदाकारा अंजुमन को ये लालच देकर बुलाया गया कि इसे फिल्मी अवार्ड से नवाजा जा रहा है और आप रावलपिंडी आ जाएं। अंजुमन अवार्ड लेने अपने खावन मुबीन बट और बच्चों के साथ एक दिन पहले पहुंची तो उसे पैगाम पहुंचाया गया कि आज रात आपको अकेले आना होगा, मगर अदाकारा अंजुमन ने इनकार कर दिया और शेख रशीद पूरी रात लुटे अरमानों और ठंडी आहों से उन्हें फोन करते रह गए। कहा जाता है अंजुमन से मायूस होकर उस रात एक नई अदाकारा रीमा को बुलाया गया और अगले दिन अदाकारा रीमा को अवार्ड से नवाजा गया। और नाज़रीन यकीनन आपको मॉडल गर्ल हरीम शाह वाला किस्सा तो याद ही होगा, जरा देखें हरीम शाह क्या कह रही है। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? ड्रामा क्यों किया? क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त। क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे? क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे? नाज़रीन ये शेख रशीद साहब के वो किस्से हैं या वो जुर्म है जो मंजरे आम पर हैं? इसके अलावा ना जाने कितने ऐसे किस्से होंगे या जुर्म होंगे जो मंजरे आम पर नहीं है और जिनको मंजरे आम पर नहीं लाया जा सका है। नाज़रीन ये काले कारनामे उस जुर्म के बादशाह साबिक वज़ीरे दाखला शेख रशीद के हैं जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा दाई है, जो अपनी तकरीरों और तहरीरों में जहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाते रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक होने का दावा भी करते रहे हैं। नाज़रीन ये पाकिस्तान की रीत है कि जो जितना बड़ा जुर्म करता है वो उतना बड़ा जुर्म का बादशाह कहलाता है। अगले एपिसोड में एक नए किसी जुर्म के बादशाह के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।